Hello students and welcome back to my channel Siraj Ekar. Second year BCom and second year BAC का amalgamation का lesson number 3 है जिसमें हम cover करेंगे नए point amalgamation के start करेंगे आज. अमालगमेशन क्या करना है, पुराना बिजनेस बंद होगा, नया बिजनेस करना. पुराना बिजनेस अपना असेट्स खाली करेगा, अपना लायबिलिटीज खाली करेगा, पीसी मांगेगा, इनडायरेक्टली से पीसी मिल जाएगा. नया कंपनी में उसका बिजनेस में जो भी असेट्स है लायबिलिटीज वो मिलेगा और उससे उसका बेनिफिट बना. ठीक है, अब थोड़ा सा अलग सब लिया मैंने पर है वैसा ही. क्या क्या जरा चेक करते हैं. बैलेंस शीट ऑफ मैसेज MNN एंड मैसेज RNS एज ऑन 31st March 2013 वेयर एज फॉलो. आप देख सकते हैं आपको बैलेंस शीट बना के दिया है दो कंपनी MNN कंपनी RNS कंपनी. ये बैलेंस शीट आपको बना के दिया गया है. ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट असेट्स मतलब ये लाइबिलिटी हो गया, ये असेट्स. इसमें कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक मशीन फर्नीचर डेटा स्टॉक, ये सब सारी चीजें दी गई है. अपने से मतलब नहीं है, पैराग्राफ पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ. टू फर्म्स डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म इनटू न्यू दैट इज MS MNRS मतलब नया कंपनी क्या बनने वाला है, MNRS बराबर है. चलिए अपने नए कंपनी का नाम. ओके, फिर इफेक्ट ऑफ 1st January 2014 2013 था 2014 में नया कंपनी बने. पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है बिटवीन देमसेल्फ एंड दे आर डूइंग अ प्रायर टू द अमालगमेशन एंड दे हैव एग्रीड द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन. अभी इधर बिजनेस में असेट का वैल्यू लायबिलिटीज का वैल्यू दिया है. इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, पीसी. यही बाजू में पीसी का वर्किंग बना लू. परचेज कंसिडरेशन, ठीक है. अब परचेज कंसिडरेशन के अंदर दो कंपनी है और एक नया कंपनी. इसमें लैंड का वैल्यू दिया, लैंड आपका असेट्स होगा. चलिए ये एम और एन का था, एम एन एन आर एन एस, ये एम एन आर एस नया कंपनी बराबर. मैं देखते क्या क्या हुआ. लैंड कितने लेके गया है, 45,000 टोटल हो जाएगा 90,000. ठीक है, उसके बाद मशीनरी लेके जा रहा है, मशीनरी 30,000 और 32,000 टोटल 62,000 क्या पा. उसके बाद दस हजार टोटल 22,000 क्या. नेक्स्ट उसके बाद आपका असेट है 21,000 नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक, ये भी आपका असेट है. कितना स्टॉक 29,000 टोटल 63,000 करेक्ट. उसके बाद ये लाइबिलिटी साइड पे लिखूंगा, क्रेडिटर्स कितना 34,000 टोटल 86,000 ये भी आपकी लाइबिलिटी है. लोन गिवन टेकन ऐसा कुछ भी नहीं, देखो आप देख सकते हो लोन है लायबिलिटीज वाला लोन है. पहले वाले को कुछ नहीं है, दूसरे वाले को 38,000 टोटल 38,000. नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, पहले वाले को 7,200 और इसको 11,000 टोटल 18,600 एनी डाउट. इसके अलावा आपके पास देखिए कोई असेट्स है लायबिलिटीज है. पैराग्राफ में पहले पढ़ते हैं, इन एडिशन टू द अबव इट वाज डिसाइडेड गुडविल ऑफ MN
एंड आर एन एस वॉस टू वैल्यूएट 35 and 20 देखो इधर कोई घूमिट वगैरह आएगा नहीं है पर इसने दिया है कि भाई मेरे बिजनेस को भाई घूमिट देने वाला 1 को 35 1 को 20 वो फिर आपका एसेट है पहले वाले को 35,000 और इसको देगा 20,000 टोटल हो जाएगा 55,000 सिंपल और कुछ है क्या फिर आगे दिया रिस्पेक्ट एंड इट शुड बी रिटन ऑफ इन द न्यू फर्म कंपनी बनाएंगे तो उसका एडजस्टमेंट है पुराने कंपनी में से कोई लेंगे नहीं गया पुराने कंपनी का पैकेज मिलने वाला है गुडविल का 20 मिलने वाला है गुडविल मतलब उसका पीसी अभी हम लोग पीसी पे फोकस कर रहे हैं नया कंपनी क्या कर रहा है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट अभी नहीं है समझाइए अभी अभी आगे क्या दिया दैट द रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी 37,500 रिकंस्ट्रक्ट मतलब नया कैपिटल इसके नए पार्टनर का बोले तो नए बिजनेस का कैपिटल है 37,500 ईच पार्टनर कितने पार्टनर है चार पहले के लोग दूसरे को साथ में आ गए तो चार पार्टनर हो गए चारों का कैपिटल कितना होगा 37,500 इससे पुराने कंपनी को लेंगे नहीं गया मतलब ये भी एडजस्टमेंट नए कंपनी का जब करने का रहेगा तो देखेंगे अभी के लिए वो पीसी में आने वाला है क्या नहीं तो डिफरेंस इन एनी शुड बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अच्छा ठीक है डिफरेंस आएगा करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे केवल नए कंपनी में क्योंकि पुराने में नहीं यू आर रिक्वायर्ड टू शो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ MNN RNS एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म नॉर्मली यही रहता है बराबर है पक्का चलिए मतलब पीसी में इतना ही उसके अलावा देखते लैंड हो गया मशीन हो गया फर्नीचर हो गया टेबल हो गया सब कैश बैंक बैलेंस बच गया ये भी आपके असेट्स में आ जाए कैश बैंक कैश में कितना 3,600 और इधर 18,000 बराबर टोटल हो गया 5,400 यहाँ पे बैंक 7,200 5,400 12,600 टोटल ले लीजिए फटाफट कौन सा 3,61,000 लास्ट वाले का बोल रहे हो 3,00,000 ये तो लिख लू मैं 3,61,000 पहले वाले का बोलो 1,84,000 इधर कितना टोटल आया 1,86,000 इसका टोटल आ गया आपको 1,08,400 परफेक्ट है और इधर 34+3+38+11,483,000 समझ में आ गया क्लियर अब असेट माइनस लाइबिलिटीज असेट माइनस फुल पीसी
अभी ये नई कंपनी है, इतना ध्यान में रखो, पुरानी कंपनी को क्या इंपॉर्टेंस देना है, इसी ये पुरानी कंपनी के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं। पुरानी कंपनी के लिए इस पूरे वर्किंग में ये दो चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, ना ये अमाउंट इंपॉर्टेंट ना ये अमाउंट। क्या इतना क्या आपको कभी बराबर एकदम परफेक्ट है ये, इसको ध्यान दो। अभी आप लोग इसका टोटल चेक करो, ये आ रहा है क्या 1,80,800, 1,80,200 का टोटल 3,61,000 है क्या? करो एक मिनट कुछ 361 आया, अभी 59,200 प्लस 83,400 दोनों प्लस करो देखो कितना आ रहा है, 3,60,200 इधर फिर सिंपल कैलकुलेशन 59,200 प्लस 83,400 दोनों को प्लस करो 600 12,813,14 1,40,000 इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,40,000 के आसपास टोटल है 600। इधर 3,800 के जगह पे ना 3,800 के जगह पे 38,000 इसका टोटल आपको आ जाएगा 42,006। अब इन दोनों को अभी देखो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 361 माइनस 1,42,600 माइनस करो, माइनस कर दो कितना आया देखो, ये सेम किसी के इतना भी आएगा, इतना आ ही नहीं सकता, करो इसमें से माइनस करो कितना आ रहा है 2,82,000। आप टोटल करके चेक करो, आईपीसी तुम कैलकुलेशन बराबर रखोगे ना सब चीज परफेक्ट, इट्स अ प्योर हॉर्न कैलकुलेट बराबर एकदम। अभी नॉर्मल हो गए, चलो आगे बढ़ो भाई। चलिए अब आपका काम क्या है, आपका काम है यहाँ पे असेट्स खाली करो, डायबिटीज पार्टनर का पैसा पार्टनर को दे, यहाँ पे आपने फॉर्मेट वही बना दिया, मतलब आपको यहाँ पे पार्टनर एम और एन, एम और एन क्योंकि इन द बुक्स ऑफ एम एंड एन सॉल्व करो, ऐसा ही सेम आर एन एस का बराबर है। सबसे पहला काम है असेट्स खाली करेंगे तो टू सन्ड्री असेट्स अंडरलाइन कर देंगे, जितने भी असेट्स है वो भी बुक वैल्यू पे नए वैल्यू पे नहीं, जो इसका बुक वैल्यू है सब बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएगा, लैंड मशीन फर्नीचर डेटा स्टॉक कैश बैंक सब ट्रांसफर करना, मतलब 33,200 पूरा ट्रांसफर करो, एक एक करके बता दे जाओ। सबसे पहला है लैंड 36,000 वेरी मशीनरी, उसके बाद कितना है 25,200 10,000 अरे बात समझना है, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती है, कैपिटल कैपिटल में जाएगा, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करोगे अकाउंट से, इसके पास दो ही है बराबर है, तो हर्ष यहाँ पे क्रेडिटर्स और लोन ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बराबर है। क्रेडिटर्स का वैल्यू 54,050 और लोन का आउटस्टैंडिंग का 61,200, उसके अलावा था कैपिटल बाय
And balance brought down end of capital 36,000 दोनों का सर बोलिए क्या बोलना चाहते हो? अरे लोन है ही तो आएगा कैसे? नहीं इसका लोन में क्या है कैश कैसे लिखेंगे? अपने को बैलेंस शीट खाली करना है, जो भी इसका बैलेंस शीट है सब असेट को खाली करो, सब लाइबिलिटी को खाली करो, और खाली करके कहां लिख दो? रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर का है तो पार्टनर में लिख दो रियलाइजेशन। समझ में आ गया? दरवाजे बंद कर देंगे पक्का। अब क्या है? पीसी मांगेंगे नए कंपनी से, पीसी मांगेगा कौन? मांगेगा एमएनएन कंपनी। तो भाई हमारा पीसी कितना है? 1,21,608 बराबर। पीसी जब मैं मांग रहा हूँ तो मेरे लिए इनकम है, और जो भी इनकम है रियलाइजेशन अकाउंट है क्रेडिट में बाय एमएनआरएस कंपनी, ठीक है ना? 1,21,000 इसी मांगा। अब पीसी अपने आप मिलेगा, खत्म। क्या करना है? क्लोजिंग, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इसके पास। अब सीधा सीधा क्लोज करके देखते कौन सा सही ज्यादा लग रहा है। 1,82,000 अब इसको डिवाइड करना है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले भी इक्वल था, अभी भी इक्वल है। डिवाइड करेंगे 24,800 डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,800। अरे समझा, अब टोटल ले लेते 60,800 बराबर। सेम बैलेंस यहाँ पे लिखोगे आप 60,800 पूरा बैलेंस आएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 60,800 इधर कैपिटल के बाय एन कैपिटल 1,21,600 समझा। पहला एक बार एक्सप्लेनेशन डन तो अभी स्टेप्स ही खाली फॉलो करने के। जैसा मैंने एक कंपनी के लिए किया वैसा ही सेम अपने को दूसरे कंपनी के लिए भी सेम टू सेम करना है। क्या? तो पहले बैलेंस शीट खाली करेंगे, पीसी मांगेंगे और फिर पीसी आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? पहले स्टार्ट कर दो दूसरे समझी। मैंने गलती से जो बैलेंस लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये मैंने जो गलती से बैलेंस लिख दिया है, यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखना आपको, बैलेंस के लिए यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक है? क्या ये बाकी है ना? ये तो एक ही कंपनी का किया ना, ऐसे दूसरे कंपनी का भी तो करना है, इसका भी तो करना है क्लोजिंग, और इसके अलावा नया कंपनी भी करना है। अरे समझो बात, पुराना कंपनी बंद रहेगा, एक कंपनी रहेगा तो बंद कर दिया, और दो कंपनी दोनों को बंद करना है, अभी नया बिहार खुलना भी है तो आपको यही चीज करना है। अभी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग सेम। अभी आरएनएस का असेट सब असेट खाली होगा, क्योंकि ऐसा पार्टनर वाला तो नहीं, सारे असेट को खाली कर, बराबर सब असेट को खाली कर देते। टू सन्ड्री असेट्स अंडरलाइन करके सबसे पहला है लैंड 47,400 मशीनरी 28,800 फर्नीचर
फर्नीचर 12,600 फिर पेपर्स 30,600 कैश 1,800 फिर बैंक 800 टोटल 99,000 डन खाली हो गया। अब लाइबिलिटीज में इसके पास क्या क्या है? तो कैपिटल है, तो रियलाइजेशन में तीन दिन जाएगा। कौन सा दिन जाएगा? पहला सन्ड्री लाइबिलिटीज में लोन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्रेडिटर्स कितना है? 39,600 कितना? 11,400 एक टोटल लेकर कितना? 87। क्या सारे आज के लाइबिलिटीज खाली हो गए? नहीं, कैपिटल बाकी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आर और फिर एस 33 समझ रही है? आर और एस 36,000 ना हो गया। पीसी मांगे कितना? पीसी मांगने वाले 9,800 मांगने में नए कंपनी से अपने लिए इनकम है बाय अपने आप मिलेगा इसके अंदर दो तीन क्या जाते फटाफट ये सारी का टोटल ज्यादा है 1,80,000 पक्का 1,83,800 पार्टनर्स कैपिटल आर एंड एस 24,400 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर डेबिट दूसरा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,400 टोटल 48,400 इधर डेबिट यहाँ पे बाय आर कैपिटल बाय एस कैपिटल 48,400 कंपनी में इतना ही होता है खत्म। नया कंपनी के अंदर इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कुछ नया है, पर अगर नहीं होता खाली बैलेंस शीट बनाने बोलता तो बैलेंस शीट भी वेरी सिंपल। देखो ये जो अमाउंट दिख रहा है इस समय आपको लिखने का, आपको ना बैलेंस शीट में एक आइडिया दे रहा हूँ खाली, बाकी इधर क्या है उधर क्या है। जितने भी असेट थे सब आपको असेट को लिखना, जितने भी लाइबिलिटीज है सब आपको लाइबिलिटी, उसके अलावा ये जो लिखना है ये उनका कैपिटल कैपिटल बनाते और उनका कैपिटल कैरी हो गया। इतना ही है कंपनी का काम, असेट जो भी है ये वाला अमाउंट, लाइबिलिटी जो भी ये अमाउंट और ये उनका पीस यानी कि कैपिटल। बस समझ में आए तो आपको क्या करना है, ये सब असेट लिखना है, लैंड लिखना है, प्रोसीड लिखना है। अभी मैं लिखना नहीं हूँ, एडजस्टमेंट है मेरे को एक्सप्लेन करके फिर मैं लिखने वाला। इतना समझ में आया पक्का? लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या हुआ, तो आज के क्वेश्चन में अपने को एडजस्टमेंट दिया। क्या एडजस्टमेंट दिया है कि भाई देखो गुडविल ऑफ एम एन एन आर एन एस आर वैल्यू 35,20 रिस्पेक्टिवली एंड इट शुड बी रिटन ऑफ इन द न्यू फॉर्म। नए फॉर्म के अंदर आप देख सकते हो आपके पास गुडविल है 55,000 का। तो जब आप मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट इधर एक्सप्लेन करूंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा इधर मैं लिखूंगा गुडविल,
मेरा क्या है असेट है, फिर नाम पचपन है, डिस्पेंड में क्या दिया तुम्हारी रिटर्न ऑफ का नाम तो निकाल देना रिटर्न ऑफ, फिर नाम पचपन है, ये हो जाएगा नहीं डेबिट ऑफ क्रेडिट असेट बोले तो डेबिट साइड माइनस किया क्रेडिट है स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था जब भी गुडविल का फायदा या नुकसान होता है वो किसका होता है पार्टनर का, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, मतलब जो भी पार्टनर का कैपिटल होगा उसमें से ही गुडविल राइटअप होगा ना, इस क्वेश्चन में मुझे बनाना पड़ेगा पार्टनर का क्या रिटर्न, बात समझ में आया। चलिए तो स्टार्ट करते नए कंपनी को एक्सप्लेनेशन करते, तो नए कंपनी के लिए आज सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनेगा, नए कंपनी के लिए मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस, रफ प्रिपेयर किया फॉर्मेट अच्छे से देख लेना, यहाँ पे चार कैपिटल बनेगा एन एन आर एस, चार पार्टनर बने एन एन आर एस बराबर है, एम पहले तो इनका बैलेंस देखेंगे कैपिटल है कितना है इनका, अगर नहीं दिया जाता ना तो मेरे को कैपिटल कितना आता है बता, पीसी मालूम है अपने को तो इनका कैपिटल 48,400 आया नहीं, इसका कैपिटल आ रहा 6,800 मालूम है कैपिटल, मैं पहले ये कैपिटल लिख दू बाय बैलेंस ब्रॉट 60,800 यही था ना पीसी के अंदर कैपिटल देख लो 48,400 का और 6,800 कैपिटल का, इनमें पीसी का मतलब ही कैपिटल हो रहा है बराबर, क्या दिया था रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर वुड बी 37,500 ईच, आपको क्या कैपिटल आया था पीसी में वो नहीं मालूम मुझे, बट अभी आपका कैपिटल कितना होना चाहिए 37,000 पार्टनर, मतलब आपको अगर याद होगा 12th स्टैंडर्ड में मैंने टॉपिक करवाया था एडमिशन ऑफ पार्टनर कैपिटल टू बी रीएडजस्टेड वाला एडजस्टमेंट, ओके जो बोला था पहला पार्ट कैपिटल दे दिया अभी उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन कितना होना चाहिए इनका कैपिटल 37,500 सबका वही कैपिटल होना चाहिए, और बोला डिफरेंस आएगा वो कहां डालने बोल रहा उसने करंट अकाउंट में, ठीक है जब क्लोजिंग करूंगा तो डिफरेंस बात समझना है, हाँ पक्का आप एक गुडविल के गुडविल कितना था 55,000 उसने क्या बोला राइट ऑफ कर दो 55,000 निकाला आप 55,000 किसको देंगे पार्टनर को, कौन से रेशो में इक्वल 55,000 को डिवाइड बाय 4 कर दो कितना रहा देखो जरा 55,000 डिवाइड बाय 4 13,750 तो टू टू गुडविल 13,750 सिर्फ क्लोजिंग और बाकी असेट को अपन जिधर है उधर लिखने ये सब क्लोजिंग कर लेते, यही साइड का टोटल ज्यादा है 6,800 37,000 मतलब ये कम ये ज्यादा है, इसका टोटल ले लो 60,800 इधर बैलेंस आएगा टू करंट अकाउंट 9,550 दोनों के लिए 48,400 ये ज्यादा लग रहा है, इधर का टोटल ज्यादा है 13,750 ये ज्यादा है, कितना इसका टोटल 51,250
51,250, 51,250। बैलेंस यहाँ पे दोनों का 880, 850, 850। 2008 समझ में आया। ये जाएगा बाय करंट अकाउंट, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं उसने क्लियरली बोला है जो भी डिफरेंस है करंट अकाउंट में गुडविल को राइट ऑफ करना और कोई एडजस्टमेंट आ गया नए कंपनी का नंबर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो असेट है सब निकलेंगे एक्सेप्ट गुडविल, बाकी सब चीज जैसा वैसा का वैसा निकलेगा। समझ में आ गया, चलिए स्टार्ट करते। पहला है लैंड 90,000, मशीन 62,000, बराबर असेट पे जाऊंगा देखूंगा लैंड 90,000 बराबर है मशीन 62। अरे बात समझ में आया, कैपिटल का बैलेंस भी मुझे मालूम है तो भी नहीं, यहाँ पे क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट है, कैपिटल अंडरलाइन करके एम एन आर एस 37,500, 37,500, 37,500, 37,500। अरे बराबर टोटल इसका टोटल बराबर है। उसके अलावा करंट अकाउंट में भी जाएगा, उधर डेबिट हो इधर क्रेडिट में, करंट अकाउंट एम और एन का कितना है 9550, 9550 टोटल 19,100। इधर भी है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आर और एस का 2,850, 2,850, 5,000। अरे समझा इसका काम पे। अब आ जाते अपने मैंने भाई दो चीज ही लिखा था, उसके अलावा है फर्नीचर टेकर, फर्नीचर बाई टेकर 51,000, फर्नीचर बाई और टेकर्स 51,000। चलिए स्टॉक 63,000, वेरी गुड, 5,000, 12,600। उसके अलावा राइट ऑफ कर दिया ना हमने, सारे असेट्स हो गए, सारे लाइबिलिटीज भी, क्रेडिटर्स लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ चलिए ठीक, तो इधर ही आ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स कितना 86,000, 38,000 लोन, 38,000 एक्सपेंस और कुछ नहीं। चलो फटाफट टोटल कर दो, इधर का टोटल कितना 2,00,000। अब क्या ये सब ऐड किया ना, ये प्लस ये 11,700। एक बाजू का टोटल 38,000, 86,000, 18,600, 19,100, 1,50,000 कितना बोलो 3,11,700। समझा, ये वैसा टोटल हो गया पक्का। अगर आप आपका जो दिमाग है अगर डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा है तो टैली होता ही होता है, आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना तो सब टैली नहीं। अब क्या किया आपने, आज एक पार्टनर से आपने क्यों बनाया उसका रीजन में दे रहा हूँ, ये नॉर्मल ही है, इधर डायरेक्ट ही बन जाता है, ये फॉर्म का डायरेक्ट ही। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहा भाई, हम वो गुडविल नहीं चाहिए राइट, वो तो पार्टनर में जाने वाला है। उसके अलावा बोला कि पार्टनर सब कैपिटल बैलेंस जो भी उनका पुराना था वो नहीं चाहिए, हमको एडजस्ट करके चाहिए, नया ये चाहिए, इसलिए हमने ये प्रिपेयर किया। अगर ये नहीं बोलता तो आप क्या करते, नहीं बोलता तो आप असेट जैसा वैसे लिखते, लायबिलिटी जैसा वैसे, खाली ये कैपिटल की जगह पे कौन सा कैपिटल आ जाता, ये पीसी वाला कैपिटल हो जाता। इतना ही है अमाल, बस इतना, अगर आप अच्छे से करोगे और एक दो समझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अमाल का मिशन ठीक है। होपली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।